शॉर्ट सर्किट से मिस्टरगंज बाजार, अनाज मंडी में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। रामपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मिस्टरगंज मेन बाजार अनाज मंडी की 3 दुकानों में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंची और आग को काबू में किया, लेकिन जब तक दुकानों का सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि दुकानों के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दुकानों में आग लगी है। आग की घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की घटना तुरंत फायर ब्रिगेड और 100 नंबर पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन जब तक दुकानों का सामान जलकर राख हो चुका था। किसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है, जिसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की गई, लेकिन बिजली विभाग के कान के नीचे जू तक नहीं देंगी, जिसका खामियाजा आज दुकानदारों को लाखों रुपए का सामान गंवाने के बाद भुगतना पड़ा। मेरा नाम अनुज अग्रवाल। ये यहाँ जो आपका मामला हुआ है मिस्टरगंज में, क्या मामला है? मिस्टरगंज में मामला ये हो, तीनों के पास ये बिजली के तार पड़े हुए रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह से आग लगी है। इसकी वजह से लोग बाजारों में तार फैले पड़े रहते हैं, इसकी वजह से दुकानों में नुकसान होने का पूरा खतरा बना रहता था। हमने कई बार कंप्लेंट कर चुके थे, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इसी चक्कर में हमारी दुकान में हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो कितनी दुकानों में आग लगी है? 3 दुकानों में आग लगी पूरी तरह से। 2 दुकानें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, 2 दुकानों में। अच्छा, तो किन किन की है दुकान है ये? जीतू भाई और संतराम जी के। जीतू भाई सना संतराम जी है, ए पीशु अग्रवाल सना विनोद अग्रवाल जी है। अच्छा। उनकी दुकान से ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, और तीसरे कौन है? तीसरा हनी है। अच्छा, तो यहाँ पर उनकी दुकान में काफी नुकसान दिख रहा है। तो ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है? ऊपर से तीनों पर तार नंगे पड़ गए थे, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट आग लगी इसमें।